बोर्ड की हाल में आए सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के 260 प्रखंडों में 15 प्रखंडों में भूजल की स्थिति काफी गंभीर है। उनमें से 4 प्रखंड धनबाद जिले के ही हैं। इसमें तोपचांची, बलियापुर, धनबाद और जरिया प्रखंड शामिल है। चारों प्रखंडों की स्थिति पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। 4 प्रखंडों में भूमिगत जल की स्थिति गंभीर, संचय से अधिक भूमिगत जल का हो रहा है दोहन, अवैज्ञानिक तरीके से हो रहा है भूमिगत जल का दोहन। रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर लोगों को जागरूक करेगा जिला प्रशासन। चापानल सूखी, जाल मीनार बेकार और एक एक नल पर दर्जनों लोगों की पानी के लिए लगी भीड़, ये सीन धनबाद जिले के 4 प्रखंडों तोपचांची, बलियापुर, धनबाद और झरिया के हैं। यहाँ दिन रात पानी के लिए लाइन लगती है और कई किलोमीटर दूर के लोग पानी के लिए एक जगह आते हैं। गांव देहात से आदमी आते हैं बुधनी हटिया, लेकिन पानी का दिक्कत के वजह से काफी ज्यादा परेशानी होती है। अत्यधिक जो है दोहन जो है हमारा तोपचांची प्रखंड में है, ये हम लोग के लिए एक चिंता का विषय है। और सबसे सर्वप्रथम तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं वैज्ञानिकों को जिन्होंने ये जो है ग्राउंड लेवल में जो रिपोर्ट आया है। और हम लोग अभी लगातार हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि किसी भी गांव में आप जाइए तो तालाब, कुआं या भी हमारा जो भी नेचुरल जो रिसोर्स है, जो जल स्रोत, जो भी नेचुरल हम प्राकृतिक ने हमको जो दिया है, उसका जो स्थिति है वो दिनों दिन जो है उसका स्रोत घट रहा है। जिला प्रशासन इस मामले पर गंभीर है। नरेगा की योजनाओं के साथ साथ 15वें वित्त आयोग की योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है, जिसमें जल संचय या हार्वेस्टिंग शामिल है। इसके अलावा सभी सरकारी भवनों व बड़े भवनों में बारिश का पानी कैसे संचय हो, इस पर विशेष नजर रखी जा रही है। रिजर्वेशन की और वाटर हार्वेस्टिंग की जो एक्टिविटीज है उन पर राज्य सरकार का भी निर्देश है कि प्राथमिकता देते हुए जब भी योजनाएं बनाई जाएं, जैसे नरेगा में आप देखेंगे कि जो वर्क सभी सैंक्शन किए जाते हैं तो उसमें वाटर कंजर्वेशन और हार्वेस्टिंग रिलेटेड वर्क्स टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। उसमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के काम हैं। रन ऑफ वाटर रन ऑफ नहीं हो जाए उसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकें, घरों में या जो कॉमर्शियल स्ट्रक्चर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, अस्पताल की बिल्डिंग है, आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, स्कूल्स हैं, वहाँ पर जो पानी वर्षा का आता है उसको कैसे कंजर्व कर सकें। भूमिगत जल के भंडार में बढ़ोतरी के लिए वर्षा जल संचय करना अत्यधिक जरूरी है। अब इसके लिए हमें खुद आगे आना होगा, अन्यथा आने वाले दिनों में हमें बूंद बूंद पानी के लिए तरसना होगा। न्यूज 11 भारत के लिए धनबाद से सहयोगी बंटी के साथ अरुण बर्नवाल की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।